घर छिन जाने के डर से यूपी के रामपुर में एक बसा बसाया परिवार उजड़ गया। आरोप तो ये भी है कि अधिकारियों की असंवेदनशीलता की वजह से ये घटना हुई है। आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने एक शख्स से कहा था कि उसके घर पर जल्द बुलडोजर चलेगा। इस पर सदमे में आकर शख्स ने अपने दो बच्चों समेत खुद जहर खा लिया। मामला रामपुर जिले के शादी के मडैया गांव का है। शख्स मोहम्मद सलीम और उसकी बेटी की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा बच गया। बताया जा रहा है कि तहसील की ओर से मकान खाली कराने की कोशिश से वो तनाव में थे। कुछ दिनों से किसी से कुछ बोल नहीं रहे थे। शुक्रवार की दोपहर उन्होंने अपनी दुकान पर बेटे और बेटी के साथ जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर तीनों को अस्पताल लाया गया। सलीम और इरम की स्थिति गंभीर होने पर दोनों को मुरादाबाद के कॉस्मोस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां दोनों की मौत हो गई। साहब एक नोटिस आया था जगह का 2020 में, उसके बाद मतलब जो है उस पर मुकदमा चल गया, जिसमें ये लोग रह रहे हैं जगह में। तहसीलदार साहब आए थे, कुछ जवाब बातचीत हुई थी, कुछ उन्होंने कुछ अंगूठे वगैरह लिए थे, तो उस टेंशन में उन्होंने मतलब जहर खा लिया। अब हमें भी कुछ किसी को घर में कोई पता नहीं है। अब यहाँ मतलब आ गए हॉस्पिटल ले गए ना, हमें पता चला था ये मतलब इसमें जिस जगह में रह रहे हैं ये घर में, वो मतलब ग्राम समाज की जगह बताई है, तालाब की है, हम लोगों को पता नहीं था। ये क्या नाम है, नए गांव के आए हुए हैं, तो प्लाटिंग हो भी थी वहाँ पे, जगह मतलब ख़रीद के बना ली इन्होंने। अब उसका नोटिस वगैरह आ गए और नोटिस के मतलब जवाबदारी हो रही थी, हमने खरीदी थी। अब तहसीलदार साहब आए परसों, तो उन्होंने अंगूठे वगैरह ले ली, तो उन्हें घबराहट हो गई, उसके उसमें जहर खा लिया उन्होंने, किसी को जिक्र भी नहीं करा। वहीं इस मामले में मंडलायुक्त जांच से पहले ही प्रधान और लेखपाल दोषी माने जा रहे हैं। सलीम की पत्नी मेहताब जहां ने बताया कि कुछ अधिकारी गांव में आए और मेरे पति से कहा कि अदालत जल्द ही हमारे घर को गिराने का आदेश जारी करेगी। हमें एक नोटिस दिया गया जिसमें कहा गया था कि हमारे घर को जल्द ही गिराने के लिए कोर्ट आदेश दे सकता है। उन्होंने उससे पहले 64 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए कहा। मैंने अपनी बेटी और पति को खो दिया है, मुझे सरकार से न्याय चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।